हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आप सभी का स्वागत है एनालिसिसन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूँ आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर केटी मैम। आई होप बच्चे आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और विजन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जरूर अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे। क्योंकि विजन पॉइंट ना केवल आपके लिए केमिस्ट्री के डेडिकेटेड वीडियो ला रहा है बल्कि आपके रिस्पेक्टिव और भी जो सब्जेक्ट के उनके भी वीडियो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे आप लोगों को पता है हमारा डिस्कशन जो चल रहा है मॉड्यूल फाइनल मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल 8 है उसका चैप्टर नंबर 31 चल रहा है। चैप्टर का नाम है सोप डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स, राइट। और आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3। दिस क्लियरली मीन्स कि इससे पहले आपके दो लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, थोड़े हैव टू डू उनको भी गो थ्रू करना है जिससे आपको इस चैप्टर का जो कोर्स है वो और भी अच्छा रहे और आप अपने आप को बूस्टेड फील करें, राइट। तो आज का लेक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के ऑब्जेक्टिव में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे क्या यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझना है और दिमाग में रिटेन करना है। और उससे पहले आपके पास आपका कॉपी पेन रेडी होना चाहिए सो दैट जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आप नोट भी करते चलते रहेंगे, राइट। तो बेसिकली पिछले टर्म से हमने देखा था कि पॉलीमर्स को हमने स्टार्ट किया था, सोप एंड डिटर्जेंट आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है वो आपको सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, नॉन पोलर एंड क्या होता है, पोलर एंड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज आप कुछ वीडियो को भी दोस्त को लीजिएगा जिससे आपकी इंक्वायरी से वो सारी निकल जाएगी, राइट। पॉलीमर्स में हमने देखा था कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका फॉर्मेशन जो होता है वो किससे बनता है, वो बनते हैं मोनोमर से। ठीक है, वो किससे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। और मोनोमर क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं आपके स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, जिनको आपने क्या कहा है मोनोमर्स के नाम से जाना है। और ये प्रोसेस इसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द मोनोमर, इसी को हम क्या कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोनोमर्स कब कहोगे, जब आपका यूनिट क्या होगा सेम रिपीटिंग यूनिट होगा तो मोनोमर्स टर्म यूज करोगे। अगर दो अलग अलग मोनोमर जुड़ के तब पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कोपॉलीमर कहते हैं, क्या कहा जाता है कोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि जब एक मोनोमर से मिलके बनता है तो होमोपॉलीमर बनता है, जब दो अलग अलग मोनोमर से मिलके बनता है तो वो क्या बनता है आपका कोपॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, पॉलीमर बनने के लिए क्या चाहिए मोनोमर चाहिए, जब सेम मोनोमर से बनेगा तो होमो पॉलीमर कहेंगे, जब अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनेगा तो उसको कोपॉलीमर के नाम से जानेंगे। ये सारी चीजें हमने जो है बेसिकली पिछले टर्म्स पे आपका यहाँ पे यहाँ तक डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, कि पॉलीमर क्या होते हैं, अलग अलग जो मोनोमर क्या है ये क्या है, ये सारी चीजों को हमने देखा था। अब एक स्टेप और अहेड मूव करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो टाइप्स हैं वो हैं आपके दो, पहला है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा जो है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो आपका पॉलीमराइजेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं या फिर कह सकते हो कि वो कंबाइन होना स्टार्ट करते हैं टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर का फॉर्मेशन। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है जो प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें किस तरीके से वो मिल के बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उनके बेसिस से आप इनको दो तरीके से बांट सकते हो। ठीक है, दो बेसिक क्लासिफिकेशन करते हो, एक हाथ का हो जाता है जिसको आप क्या कहते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन या इसी को आप क्या कह सकते हो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हो। ये तो एक पहला हो गया टाइप। ठीक है, दूसरा जो टाइप है उसको आप कहते हो क्या कंडेंसेशन, क्या कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वर्ड को बहुत अच्छे से पकड़िएगा तो चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होंगी, राइट। आप देखिए एडिशन का मतलब क्या है, ऐड करना, जैसे गाड़ी के आगे डिब्बे के आगे डिब्बा, फिर गाड़ी के एक और डिब्बे के आगे डिब्बे, ऐसे जोड़ते जाते हैं हम आपकी एक ट्रेन बन जाती है। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। तो ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स जो है वो क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उसी को आप क्या कहते हो एडिशन पॉलीमर के नाम से जानते हो। पर एक ऐसा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ऐसा फॉर्मेशन पॉलीमर का होना जिसके थ्रू जब आप बना रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो उस तरह के
पॉलीमराइजेशन को आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हो। कंडेंसेशन का मतलब भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का अंतर आपने समझा होगा कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि वन बाय वन इनके डिफरेंस को देख लेते हैं, राइट। तो देखिए जब हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो सिंपल सा क्या है कि आपको क्या होता है, यहाँ पे पॉलीमर्स एडिशन ऑफ द मोनोमर्स के थ्रू होते हैं, यहाँ पे कोई भी लॉस या गेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स नहीं होता, ठीक है। तो पहला क्या है, इन्वॉल्व्स अनसैचुरेटेड मोनोमर्स लाइक ईथीन, विनाइल क्लोराइड, स्टेरिन, ठीक है। स्टेरिन के हेल्प से ये बनता है, यानी उनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अनसैचुरेशन बोले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, एडिशन पॉलीमर बनेगा। पहचान आपको यहाँ पे पता चल रही है, कैसे आप पहचानेंगे, जब हम कंडेंसेशन में बात करते हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना। व्हाट इज दिस फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो अगर आपके कार्बन चेन में जुड़ जाते हैं तो पूरे की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं। हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम पोस्ट करेंगे वही प्रॉपर्टी आप शो करोगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपके मिनिमम कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। एडिशन में क्या होगा, अनसैचुरेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। वो हो सकता है एल्कोहल हो, दो एल्कोहल हो सकते हैं, या फिर एक एल्कोहल हो और यहाँ पे क्या हो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसको फास्ट एडिशन ऑफ मोनोमर्स, यानी मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं, तुरंत जुड़ते जाते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, स्टेप वाइज यहाँ पे स्लोली स्लोली प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं एडिशन का, तो यहाँ पे देखिए, एट एनी इंस्टेंट ओनली मोनोमर एंड पॉलीमर आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको पता है अगर आपने किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे पॉलीमर बन रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे देखा होगा आपको मेन पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको यहाँ पे मोनोमर एंड पॉलीमर आपको प्रेजेंट करता हुआ मिलेगा। पर इस केस में ऐसा नहीं होता है, कंडेंसेशन में क्योंकि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लूज होता है, तो आपको यहाँ पे मोनोमर्स नहीं मिलेगा, पर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर मिलेंगे डायमर्स, ट्राइमर्स या टेट्रामर्स के, आपको मिक्सचर मिलेंगे, ठीक है। मोनोमर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एक कैसा हुआ, इसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मोनोमर्स का कुछ यूनिट रिमूव हो गया तो मोनोमर्स थोड़ी ना रहेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें इनिशिएटर इज नेसेसरी टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, यानी इसमें पॉलीमर को पाने के लिए इसमें अलग अलग स्टेप होता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में स्टेप होता है, पहला क्या होगा, चेन को इनिशिएट करेगा, स्पार्क करेगा, चेन इनिशिएट हो जाएगा, यहाँ आप चेन को बढ़ना है तो वो क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। पहला स्टेप होता है चेन को इनिशिएट करना, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, चेन बढ़ गई, और तीसरा स्टेप होता है उसको कटआउट करना। पॉलीमर का मतलब ये थोड़ी ना कि कितने भी हम लंबे चेन बनाते जाए, ऐसा नहीं होता, कुछ इसकी लिमिट होती है जो चेन को कट किया जाए। तो बेसिकली आपके ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं पॉलीमराइजेशन में, तो यहाँ पे इनिशिएशन जरूरी होता है, इसके लिए कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट की जरूरी नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपने आप में रिएक्टिव ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड, किसी भी मॉलिक्यूल का यहाँ पे लॉस नहीं होता, जबकि कंडेंसेशन में छोटे मॉलिक्यूल्स कुर्बानी देते हैं, यानी उनका लॉस होता है। और हर में आपको देखेंगे जितने भी आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखेंगे उसमें बेसिकली जो मॉलिक्यूल यूज होता है वो क्या है, आपका वाटर। कंडेंसेशन वाटर से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, तो बेसिकली आपका क्या, वाटर छोटा सा मॉलिक्यूल ये लूज हो सकता है, या फिर HCl लूज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ये सब लूज हो सकते हैं। पर आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें लूज होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, वाटर। वाटर निकालो पॉलीमर बनाओ, वाटर निकालो पॉलीमर को बनाओ, ठीक है, ये काम करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमर्स आर मेड फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलीब्यूटाडाइन हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है एडिशन के। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, टेरेलिन हो गया, यानी टेफ्लॉन की बात कर रहे हैं, नाइलॉन की बात कर रहे हैं, रेजिन की बात कर रहे हैं, टेक्लाइट हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि कुछ ना कुछ फंक्शनल यूनिट रहेगा, फंक्शनल यूनिट रहेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बाय द टाइम इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता हो गया होगा, क्या क्या आपको याद रखना है, इस चीज को जरूर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन था हमने देखा था, जिसमें पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर किस तरह के बन रहे हैं उसके बेसिस से आपके पास दो भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कहां से वो मिलते थे उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पॉलीमर को अलग अलग फैमिली में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है नेचुरल पॉलीमर्स, बताने की जरूरत नहीं है। नेचुरल मतलब वो जिसका सोर्स क्या है, नेचर से है, वो नेचुरल पॉलीमर्स है, जैसे कि आपके स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, रबर हो गया, प्रोटीन हो गया, सब आपके किसके एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेचुरल पॉलीमर्स के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि मैन मेड पॉलीमर्स। ठीक है, कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनको इंसानों ने बनाया है। किसने बनाया है भाई, अपने जरूरत के लिए, उनको जरूरत पड़ी उन्होंने केमिकल लाया और बना दिया। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको लैब में सिंथेसाइज किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर नेचर को सबसे ज्यादा हार्म करने वाला चीज है ना, इंसान ने बना तो लिया पर सिंथेटिक अपने आप में यूज हो जाता है, पर वो हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वल्नरेबल होता है, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीथीन ये इंसान का बनाया हुआ चीज है और जो बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है। पीवीसी हो गया, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बैकलाइट हो गया, थेरेलिन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स में। अगेन इनकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा है कि हमें इसको बनाना ही पड़ा। ठीक है, और हम इसको यूज कर रहे हैं एंड नाउ हम इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि ये क्योंकि हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, तो हम इसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज चल रही है, दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें केमिकल मिला के वैसे भी पॉलीमर्स आपकी हैं। राइट, नेक्स्ट बेसिस क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस तरीके से, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, किस तरह से वो पैक्ड है, उसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। लीनियर पॉलीमर, लीनियर का मतलब क्या है, उसमें स्ट्रक्चर आपको क्या दिखेगा कि स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट ऐसे होंगे और ये आपस में क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका लीनियर हो गया। दूसरा क्या हो गया, ब्रांच, तो लीनियर का अगर एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्या है, इंग्लिश मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक टुगेदर, तो कॉमन लीनियर चीज, लीनियर यानी लंबे लंबे लॉन्ग चेन होते हैं। राइट, तो इसमें आपके पास क्या होगा, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है इसकी, क्योंकि लीनियर होता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, पतले पतले रेशे जुड़े हुए, इनके बीच में गैप नहीं रहेगा, जब गैप नहीं रहेगी तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हाई टेंसाइल, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से अपने से एक लेयर से दूसरे लेयर से जुड़े होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पॉलीथीन, नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, लीनियर पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आते हैं ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या होगा, लीनियर में ही आपके क्या होंगे, यहाँ पे ब्रांच होंगे, जैसे ये लीनियर है, यहाँ पे ब्रांच हो गया, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ब्रांच हो गई, यहाँ पे ब्रांच हो गई, इस तरीके से ब्रांचेस जब निकल जाती है तब इसको क्या कहते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, बिच इन विच मोनोमर्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विद साइड चेन और ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखती है, एंड इसकी वजह से होता क्या है, ये इररेगुलरली पैक्ड हो जाते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला, और यानी कि लीनियर चेन की बात करें, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, इनके रिस्पेक्ट में कम होती है, इसकी ब्रांच चेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, इनकी लो डेंसिटी होती है, जैसे कि आपके क्या हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके किसके हो जाएंगे, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे ब्रांच चेन पॉलीमर के। ठीक है, पॉलीथीन आपका इसमें नहीं आएगा, पॉलीथीन इसमें आ गया। ठीक है, पॉलीथीन ठीक है, पॉलीथीन भी आपका इसमें एग्जाम्पल है, साथ में ये जो था ये क्या था, पॉलीइथिलीन था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, पॉलीइथिलीन था। राइट, बाकी आपको ब्रांच का मतलब समझ में आ गया कि अगर ये लॉन्ग चेन है तो इसके क्या है, ब्रांचेस निकली है और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बेसिकली दोनों लेयर्स आपस में दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ब्रांच हो गया। तीसरा जो है उसको आप क्या कहते हो, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो होगा वो हो सकता है ये आपके लेयर है, लीनियर का मतलब आपने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लेयर है वो हो सकता है कि आपका क्या हो, सेकंड लेयर से लिंक हो, क्रॉस लिंक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सेकंड लेयर जो हो थर्ड लेयर से लिंक हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट लेयर है वो क्या हो थर्ड लेयर से लिंक हो, तो इस तरह की लिंकेज को भी हम क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रॉस लिंक। तो
cross link polymers are the polymers with long polymer chain are cross linked together to form a three dimensional network. ये क्या करते हैं? 3D network बनाते हैं, strong network बनाते हैं. ये कैसे होते हैं? Hard होते हैं, rigid होते हैं, बहुत ज्यादा hard होते हैं, बहुत ज्यादा rigid होते हैं, brittle होते हैं. ठीक है, hard तो होते हैं पर भंगुर होते हैं, यानी कि brittle होते हैं, तुरंत ये क्या कर सकते हैं? टूट सकते हैं. ठीक है, because of the network structure. For example, bakelite, melamine, formaldehyde, resin, etc. So, bakelite हमने देखा होगा, कुकर का हैंडल देखा होगा, स्विचेस देखा होगा हमने. आपके घर में स्विचेस होंगे तो वो क्या होते हैं? वो सब किसके बने होते हैं? वो बैकलाइट के बने होते हैं. साथ ही साथ क्रॉकरी के जो सेट्स होते हैं, हार्ड तो होते हैं पर जैसे गिरा वैसे ही चूर चूर हो जाता है. वो किसका बना होता है? वो मेलामाइन का बना होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे आपके कैसे क्रॉस होंगे. तो आई होप अब ओरिजिन के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से थे. नेचुरल आपने देखा था, सिंथेटिक देखा, फिर अलग अलग आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल लीनियर देखा, ब्रांच देखा, क्रॉस लिंक देख लिया. ठीक है, तो ये अलग अलग पॉलीमर्स के टाइप्स हैं. ठीक है, क्या है? ये अलग अलग तरह के आपके पॉलीमर्स के टाइप है. अब मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका एडिशन पॉलीमर होता है, दूसरा क्या होता है? कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन का मतलब इसमें क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज लॉस्ट. ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज लॉस्ट. ठीक है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा कंडेंसेशन वाले में. या हो सकता है वो वाटर हो, अमोनिया हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, एल्कोहल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लॉस होते हैं. एडिशन में क्या होते हैं? दोनों क्या हो जाते हैं? एड होते जाते हैं. मोनोमर्स एड हो जाते, कोई भी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे लॉस नहीं होता है. फिर आपने देखा इसको पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, तब वो कैसा पॉलीमर बनाएगा? एडिशन. तो कंडेंसेशन वाले में आपने देखा था, कंडेंसेशन वाले में क्या देखा था आपने? आपने ये देखा कि ये कैसे होते हैं? बाई फंक्शनल. कम से कम तो बाई फंक्शनल यूनिट तो होना ही चाहिए, यानी कि इसमें क्या होंगे? दो से ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रेजेंट वाले ग्रुप्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा? लॉस होगा. उसके एग्जाम्पल से आपने देखे. ठीक है, अब आते हैं फोर्स के बेसिस पे, यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो बीच में किस तरीके का अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे भी आप पॉलीमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हो. ठीक है, तो पहला क्या है? बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके बीच में किस तरीके का फोर्स है उसके बेसिस पे आप क्या है अलग अलग पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हो. तो पहला जो पॉलीमर है वो है आपका इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स इलास्टिक का नाम सुना होगा. ठीक है, इलास्टिक से आपने देखा होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उसी से रिलेटेड आपका क्या है? इलास्टोमर्स. ठीक है, तो ऐसे टाइप पॉलीमर्स जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को आप कहते हैं इलास्टोमर्स के नाम से जानते हो. तो इन केस ऑफ इलास्टोमर्स द पॉलीमर्स चेंज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक और इसी वजह से वीक फोर्स की वजह से ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं? दिस कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड ऑन अप्लाइंग अ स्मॉल स्ट्रेस. ठीक है, थोड़ा सा जब हमने फोर्स किया तो ये क्या है? बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे? मूव हो जाएंगे एंड द शेप आप आसानी से चेंज कर सकते हो. ठीक है, एंड दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव. तो आपने जैसे कोई फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया, और जैसे फोर्स को हटा लिया तो वो फिर से अपने वापस फेस में आ गया. जैसे रबड़ है, रबर को आपने ऐसे मोड़ने की कोशिश की, फोर्स लगाया, वो मुड़ गया, फिर उसके बाद वो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. ठीक है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन दी चेन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स आर नेचुरल रबर्स. रबर्स की अगर बात करते हैं तो वो किस तरह के पॉलीमर्स हैं? वो आपके हैं पॉलीमर्स ऑफ द टाइप ऑफ द इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या फिर क्या होगा इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा. ये क्या होंगे? वीक वैन डर वाल्स फोर्स से पावरफुल होते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस द चेन्स आर क्लोजली पैक्ड गिविंग देम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो आपकी जो
दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनमें इलास्टिसिटी क्या होती है बहुत ही कम होती है, एंड दिस पॉलीमर जो होते हैं इट कैन बी ग्रोन इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स, थ्रेड लाइक फाइबर्स के फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आपके पास नायलॉन 6x, डेक्रॉन सिल्क हो गए, रेयॉन हो गए, नायलॉन हो गए, ये सारे जो एग्जाम्पल से वो किसके हैं फाइबर्स के एग्जाम्पल है, और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको पता है आंसर क्या करना है, दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्स जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, इलास्टोमर्स के बारे में, और अभी हमने फाइबर देखा था। तीसरा जो है वो है आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक, और एक और होता है जिसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक के बेसिस पे आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और प्लास्टिक का मतलब तो आपको पता है, ये प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक भी किससे बनते हैं आपके पॉलीमर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम थर्मो प्लास्टिक की बात करें, अगर हम उसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, तो दीज आर लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, आपने अभी भी लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी जाना हुआ है, राइट, विथ वेरी फ्यू क्रॉस लिंकेज, इनके बीच में लिंकेज जो होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही कम होती है, और नो क्रॉस लिंक एट ऑल, ना इनके बीच में बिल्कुल भी क्रॉस लिंक नहीं होता, ठीक है। बेसिकली दिस पॉलीमरिक चेन आर हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स से ये भी जुड़े होते हैं, एंड स्लाइड ओवर वन अनदर, और एक दूसरे से क्या हो सकते हैं स्लाइड ओवर, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से माउल्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनका शेप आप चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके के प्लास्टिक है। ड्यू टू लैक ऑफ क्रॉस लिंकेज दिस पॉलीमर सॉफ्टन और हीटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनको जब हीट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और हार्ड बन जाते हैं, जैसे हम इनको कूल करते हैं, इनको ठंडा करेंगे तो ये क्या करेंगे हार्ड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, तो जैसे हीट करोगे तो इनका ये क्या हो जाएंगे मूवेबल, या इनके में इलास्टिसिटी आ जाती है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं। Thus they can be molded into any shape, और इनको अलग अलग शेप में आप क्या कर सकते हो मोल्ड कर सकते हो, ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट करने से इनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं और अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को भी आप क्या कहते हो थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है, टेरिलीन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे आपके जो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल से, जिनके इनको आपने देखा होगा जब रैग पिकर्स जो होते हैं जो मतलब कचरे के तेल में से बोलते हैं ना सोना निकालते हैं, आपने देखा होगा यंग है यहाँ पे, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जो रैग पिकर्स हैं या जो प्लास्टिक के बॉटल से अगर कलेक्ट करते हैं आपने देखा होगा इनको, तो आपने देखा वो सारी चीजों को कलेक्ट नहीं करते, वो उन्हीं चीज को कलेक्ट करते हैं, उसी प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं जो रिसाइकल हो सकता है, यानी कि वो कैसे प्लास्टिक होते हैं थर्मो प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि जब आप उनको हीट करेंगे मिक्स करेंगे तो वो अलग ढांचे में नए आम बना सकते हो, और अगर वही प्लास्टिक बैकलाइट फेंका है बहुत सारे स्विचेस खराब से हमने फेंक दिया बिना कोई उठा के ले जाए, तो वही तो आपने बॉटल्स डाल दिए पेप्सी की बॉटल्स डाल दी, देखेगा सेकेंडों में वो क्या हो जाएगा वहां पे गायब हो जाएगी, तो वो रैक्टिकल देंगे उसको क्या कर लेते हैं कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में वो ले जाते हैं फैक्ट्री में, जिसमें वो क्या होता है फिर से उसको रिफाइन कर दिया जाता है और अलग शेप में नए शेप में उसको मोल्ड किया जाता है, ठीक है, समझता है क्या होता है थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिसाइजर, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिसाइजर्स की अगर बात करें तो सर्टेन प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं थर्मोसेटिंग, जो सेट हो चुके हैं अब उनमें कोई चीज बची नहीं, उनमें हैवी क्रॉसलिंक रहता है तो वो और ज्यादा अब मोल्ड नहीं हो पाएंगे, हीट करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनको हीट करते पिघल जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो दिस कैन बी इजिली सॉफ्टेंड, ऐसे प्लास्टिक जो नहीं हो पाते हैं उनको हम सॉफ्ट कर सकते हैं बाई एडिशन ऑफ बाहर का एक और चीज ऐड करते हैं, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं प्लास्टिसाइजर कहते हैं, ठीक है, बाई सम ऑर्गेनिक, तो ये होते क्या है प्लास्टिसाइजर, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या करते हैं हीट करने पे जो पर्टिकुलर आपका प्लास्टिक है उसको सॉफ्ट कर देते हैं, उसी को आप कहते हो प्लास्टिसाइजर के नाम से जानते हो, फॉर एग्जाम्पल
पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी जो है वो क्या है, पीवीसी का एग्जांपल दे रहे हैं। पीवीसी अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा पीवीसी कोटेड वायर, तो आपने देखा वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और ओरिजिनली वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो बहुत ही स्टिफ होता है। और उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यहाँ पे प्लास्टिसाइजर को डाला जाता है, और वो प्लास्टिसाइजर जिसको डाला जाता है वो है यहाँ पे डाई एन ब्यूटिल फैलेट। क्या है? डाई एन ब्यूटिल फैलेट नहीं पढ़ोगे, फैलेट पढ़ोगे, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका प्लास्टिक साइजर है जो यहाँ पे यूज होता है किसमें, पीवीसी में, सो दैट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, राइट? ऐसे अगर प्लास्टिसाइजर जो है जैसे डाई एल्केन फैलेट हो गए, ट्रिजाइल फैलेट हो गए, ये आपके क्या है अलग अलग प्लास्टिसाइजर से जिनका नाम है, इनका बेसिकली काम क्या होता है, उनको सॉफ्ट करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है? और पीवीसी में कौन सा यूज होता है आपको पता होगा, डाई एंड ब्यूटिल फैलेट को यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए, बेस्ड अपॉन दी आपने देखा है क्या, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन दिया। अब फाइनली हमारे पास जो बच गया है वो है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होंगे, सेटिंग वर्ड आ रहा है, तो ये सेट हो चुके हैं, हीट से, हीट और सेट, यानी कि यहाँ से इसको याद क्या रखोगे, थर्मोप्लास्टिक का तो मतलब याद रखोगे हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा और मोल्ड हो जाता है, मोल्ड करके किसी और चीज में चेंज कर सकते हो, पर ये पहले से ही सेट है, हीट का इनपे असर कम होता है, कह सकते हो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये पहले से सेट है तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दो पॉलीमर्स विच कैन बी हीटेड ओनली वंस, उनकी हीटिंग क्या है, थर्मो वाले को तो बार बार कर सकते हो, थर्मोसेटिंग का मतलब क्या, आप बस एक ही बार हीट कर सकते हो और उसको बस एक बार जो शेप आ गया वो फिक्स हो गया, ठीक है? तो कैन बी हीटेड ओनली वंस व्हेन इट परमानेंटली सेट इनटू सॉलिड विच कैन नॉट बी रीमेल्टेड एंड रिमोल्ड। ना उसको फिर से रीमेल्ट कर सकते हो ना रिमोल्ड कर सकते हो, यानी उसमें हैवी क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो उनको बार बार आप हीट नहीं कर सकते, एक बार हीट कर दिया अगर शेप आ गया तो वो फिक्स हो गया, उसको फिर से आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह के प्लास्टिक को भी क्या कहते हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हो। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर मास सेमी फ्लूइड पॉलीमर्स कॉल्ड एज पॉलीमर्स विच ऑन हीटिंग डेवलप एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बाय टेंशन। जब आप इनको हीट करते हो, एक ही बार हीट करने से ये इतना सारा क्रॉस लिंकिंग आ जाता है कि दूसरी बार आप इसको हीट नहीं कर सकते, यानी इसको रिमोल्व नहीं कर सकते, ठीक है? और बाई एडिंग सम क्रॉस लिंकिंग एजेंट एंड बिकम इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल ऑफ हार्ड मास बन जाते हैं, जैसे आपके टायर वगैरह हो गए, ठीक है? तो ये क्या हो जाते हैं ना, आपके हार्ड मास के बन जाते हैं। द क्रॉस लिंकिंग होल्ड द मॉलिक्यूल्स इन प्लेस सो दैट हीटिंग डज नॉट अलाउ देम टू मूव फ्रीली। तो उनको हीटिंग करने पे इनमें मूवमेंट्स नहीं होता है, देयरफॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज क्रॉस लिंक एंड परमानेंटली रिजिड। ये क्या होता है, परमानेंटली रिजिड, जस्ट आपके थर्मोप्लास्टिक के अपोजिट होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेटिनॉल, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको हमें दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल है, जिससे जो भी आपने भी पढ़ा है ना उसके बीच का आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है, ठीक है? तो क्या थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग क्या होगा, हॉट, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है, वीक बंड ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉफ्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग, बार बार उसको हीट कर सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो, और ज्यादा बार करोगे हीट करोगे तो वो धीरे धीरे क्या थर्मोप्लास्टिक किसमें चेंज हो जाएगा, थर्मोसेटिंग में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, केमिकली क्रॉसलिंग होते हैं, इनफ्यूजिबल मटेरियल बन जाते हैं, और बस वन टाइम हीट होता है, और वैसे बेसिकली कहें तो बाद में अगर आप हीट करते हो तो मेल्ट नहीं करता, ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है? इसका दिल कमजोर है तो दिल मेल्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोल्टन पॉलीमर्स कैन बी माउल्डेड, इनको अलग अलग शेप में आप माउंट कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, रिमाउंट कर सकते हो, ठीक है? हीट करके बार बार, और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये रिजिड है एकदम स्ट्रॉन्ग, इसके से मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा और मैं चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये क्या, क्रॉस लिंकिंग इज यूजुअली डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ मोल्डिंग वेयर दे हार्डन एंड इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि दूसरे शेप में जिस शेप में लाना है फिर उसको दूसरे में नहीं डाल सकते, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, पीवीसी हो गया, एसबीआर हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीएमए, ये सारे आपके क्या है अलग अलग पॉलीमर्स, इनके नाम है यहाँ पे, और इस
उसमें क्या है, ग्लेक्टर्स हो गए, ठीक है, इपॉक्सी पॉलीमर्स हो गए, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गया, बैकेलाइट हो गया, अभी अभी आपने देखा बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गए, ये सारे आपके क्या है, थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ से सीखा होगा और साथ ही साथ अच्छे से नोट भी बनाया होगा। तो आज के लिए बस इतना, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आपके पास सपोर्ट है जिसके थ्रू आप हमसे अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हैं, आप हमारे पर्टिकुलर नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपने रेस्पेक्टिव सोल्यूशन को भी पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसके थ्रू जो भी अपडेट आपके आती है एनएस से रिलेटेड या विजन पॉइंट की जो भी अपडेट रहेंगे उसमें आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय।